8.3 सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कार्बन तत्व पर विचार करते हैं जिसकी परमाणु संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। यदि कार्बन बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हीलियम परमाणु के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त करे तब C4+ आयन बनेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नियॉन परमाणु के कक्ष में 2 L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के समान विन्यास प्राप्त करे तब C4- आयन बनेगा। दोनों ही स्थितियों में अस्थायी आयन की प्राप्ति होगी, अतः दोनों ही स्थितियां संभव नहीं हैं। इस स्थिति में कार्बन बंध का निर्माण कैसे करेगा? आइए देखें यह कैसे संभव है। अब एक विकल्प यह हो सकता है कि वह दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों का साझा करे। साझे का क्या तात्पर्य है? आइए कार्बन टेट्राक्लोराइड के उदाहरण से इसे समझें। यह एक कार्बन तथा 4 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। हमें ज्ञात है कि क्लोरीन परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से करता है। उसी प्रकार कार्बन भी प्रत्येक क्लोरीन परमाणु से अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाता है। इस क्रम में कार्बन तथा प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अक्रिय गैस विन्यास 2-8 तथा 2-8-8 प्राप्त करते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, अर्थात साझे के इलेक्ट्रॉनों की गणना दोनों परमाणु के अष्टक में की जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंध का चित्र। आइए अब हम कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक मेथेन को देखें। कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने या ग्रहण करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों का साझा करना सरल होता है, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति कैसे होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका तात्पर्य है कि उसके नाभिक में एक प्रोटॉन और के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके समीप की अक्रिय गैस हीलियम है जिसके के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आबंध का निर्माण होता है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जबकि हाइड्रोजन को साझे के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्बन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा CH4 अणु का निर्माण करते हैं। मेथेन में सहसंयोजक बंध का चित्र। आइए अब हम कार्बन के एक और यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। डाई एक उपसर्ग है जिसका अर्थ 2 है। डाइऑक्साइड का तात्पर्य 2 ऑक्सीजन परमाणु। पूर्व में हमने देखा कि ऑक्सीजन सामान्यतः 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर द्विसंयोजी आयन O2- बनाता है। वहीं कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा साझे के द्वारा बंध बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर स्थायी यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं? यह तभी संभव होता है जब प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साथ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंध का चित्र। संरचना देखकर आप बता सकते हैं कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध बनेंगे? इस यौगिक में कार्बन के 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक ऑक्सीजन के 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य साझे से द्विबंध का निर्माण होता है। पूर्व के उदाहरणों में कार्बन ने क्लोरीन के साथ CCl4 तथा हाइड्रोजन के साथ CH4 एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा
एकल बंध का निर्माण किया था।